पिछला साल श्री विधि से धान का खेती हम करलो रही है। पुरना विधि छोड़ी के श्री विधि से धान के खेती करे के लिए हम चिंतित रही। पहले कि श्री विधि से धान का खेती करे में ज़्यादा मजदूर लागे छै, अही खातिर श्री विधि से एक कोना में खेत का एक कोना में करे के लिए निर्णय ले लिए। श्री विधि से बीज के उपचार करे में मजदूर खर्च कोनो नहीं लागे छै। कहना कि हमें अपने से घर में 10 से 15 मिनट में बीज उपचार हमें अपने से करी लै छी। अगर हम एक कट्ठा बात करे छी तो श्री विधि से नर्सरी बेड बनाबे में आधा दिन के मजदूर हमरा ज़्यादा लगे छै। श्री विधि से धान रोपाई करे में एक दिन के मजदूर खर्च हमरा ज़्यादा लगे छै। श्री विधि से निकोनी करे में आधा दिन के मजदूर कम लगे छै। कुल मिला के हम जोड़ लिए पुराना विधि से और श्री विधि से एक दिन खर्च श्री विधि में हमरा ज़्यादा लगले, लेकिन एकरा बदला में हमरा 50 kg धान श्री विधि में ज़्यादा उपज हल। 10 रुपया हिसाब से बेचलिए तो हमरा 500 रुपया फायदा भेल। इहे नफा खातिर हमें श्री विधि में एक दिन का मजदूर खर्च ज़्यादा दे के लिए हम तैयार छी। और हम श्री विधि से इस साल हम खेती करवे। जब हम श्री विधि से धान का खेती करे के लिए शुरू कर लिए, श्री विधि और पुराना विधि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं छे। हमरा जानकारी दे में VRP भैया बहुत मददगार हुई। मैं समय समय पर VRP भैया का पूछलिए, हमरा जे जानकारी दिलके ओकरे अनुसार खेती कर ली। पुराना विधि से हमरा श्री विधि में ज़्यादा उपज हुई। अब हम श्री विधि से धान का खेती करे में सक्षम छी। अब हम इस साल फिर हम धान का खेती श्री विधि से धान का खेती करबू। अब हम दूसरो दीदी का श्री विधि से धान का खेती करे के लिए प्रोत्साहित करबू।